नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ये जानेंगे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट या किसी एक स्कूल की वेबसाइट, किसी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर हम लोग कैसे जाएं। एक्चुअली मित्रों, हुआ यह है कि पिछले कुछ महीनों में केंद्रीय विद्यालय ने अपने जो वेबसाइट्स हैं, जो स्कूल की जो वेबसाइट है जिस पर अक्सर आप लोग जाया करते थे और स्कूल के बारे में कोई भी जानकारी ले लिया करते थे, वो वेबसाइट अब चेंज हो चुकी है। अधिकतर स्कूलों में ऐसा हो गया, बल्कि सभी स्कूलों में ऐसा हो चुका है। तो फिर हम लोग कैसे उस वेबसाइट पर जाएं, केंद्रीय विद्यालय किसी स्कूल की वेबसाइट का कैसे पता लगाएं, ये एक बहुत कंफ्यूजिंग बात होती है। अक्सर इसको हम लोग अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो पुरानी वेबसाइट का ही एड्रेस देता है, अभी नई वेबसाइट का एड्रेस सभी स्कूल्स के लिए दिख नहीं रहा है। तो गूगल जब इसमें हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग कैसे इस चीज़ को सॉल्व करें। अक्सर क्या होता है कि हम लोग टीचर से पूछते हैं, स्कूल के स्टाफ से पूछते हैं, तो वो हमें बता भी देते हैं, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं, तो या कहीं नोट नहीं कर पाते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं। तो फिर हम इस समस्या से सुलझने के लिए एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अभी समझ लें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट का एड्रेस किस तरीके से काम करता है, और इससे आप किसी भी स्कूल के वहाँ के एड्रेस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन, यानी कि किसी एक स्कूल का नहीं बल्कि ओवरऑल पूरे संगठन की जो मेन वेबसाइट है उस पर चलते हैं और उसके एड्रेस को समझते हैं, और वहीं से हम किसी भी स्कूल का एड्रेस पा जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारे सामने ये स्कूल की वेबसाइट हमारे यहाँ पर ये खुली हुई है, सॉरी, ये संगठन की वेबसाइट हमारे यहाँ एक खुली हुई है, केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट, जिस पर कि आप देख सकते हैं यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय संगठन ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर इस जो जगह पर। ठीक है, तो यहाँ लोगो है और ये सब कुछ डिटेल यहाँ दिया हुआ है। अब ये वेबसाइट का एड्रेस एक्चुअली क्या है, इसका एड्रेस जानने के लिए हम लोग इस जगह पे चलते हैं। तो ये देखिए kvs.ac.in, ठीक है, इसको नोट करिए kvs.ac.in। अगर हम लोग देखें, मान लीजिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ एक बार के लिए, और यहाँ टाइप करता हूँ kvs.ac.in, और उसके बाद मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो हमारी ये वेबसाइट दोबारा से ये खुल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कुछ नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट आपको दिखाना चाहती है आता है, हम उसे काट सकते हैं आप। तो ये हमारी केंद्रीय विद्यालय संगठन की, ठीक है, पूरे संगठन की वेबसाइट है जहाँ पर सारी जानकारियाँ रहती हैं। तो संगठन की इस वेबसाइट की इसी एड्रेस पर जाते हैं, ठीक है, जो एड्रेस हमने अभी अभी देखा, हम इसी एड्रेस पर जाते हैं और यहाँ पर हम एक क्लिक करते हैं, हम इसके नाम में बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें बिलासपुर की अगर हमें वेबसाइट, केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर की अगर हमें वेबसाइट खोलनी है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम कैसे करेंगे इसको, हम इसको सिंपल यहाँ पे टाइप कर देंगे bilaspur.kvs.ac.in। ये पहले से टाइप था, उसमें मैंने जोड़ दिया, यानी कि हम एक्चुअली क्या टाइप कर रहे हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, अभी मैं इसको आपको अगर पूरा मैं हटा दूँ, पूरा हटा दूं मैं, तो ये देखिए bilaspur.kvs.ac.in, और इसके बाद मैं यहाँ पर आपको सर्च, अब देखिए केंद्रीय, अब यहाँ पर कौन सी वेबसाइट खुल गई, अभी हम लोग देखते हैं, इसको चेक करते हैं, केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर। ठीक है, तो यानी कि आपको उस स्कूल का नाम या उसके अगर उस जो मेन जो स्कूल उसका डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है, जो भी स्कूल का नाम है, उस स्कूल के नाम को आगे लगा देना है, फिर .kvs.in। ठीक है, हम लोग एड्रेस को समझ लें एक बार फिर से, यहाँ पे skulname.kvs.ac.in, ठीक है, जगदलपुर। ठीक है, तो केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर, ठीक है, आप यहां देख सकते हैं ये केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर आ गया। ठीक है, तो ये अब उनके वेबसाइट आ गई। ठीक है, तो आप ऐसे कोई भी वेबसाइट, जैसे इस तरीके से आपको बता रहा हूँ, skulname.kvs.ac.in, तो इस तरीके से आप
जो है जा सकते हैं किसी भी स्कूल की वेबसाइट पे। वहीं अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो ये स्कूल का नेम वहाँ से हटा दीजिए, आप सिर्फ kbs.ac.in। ओके फ्रेंड्स।